सात आसमां चीरे फिर सात समंदर पीले और सात सुरों में कर दे ये ऐलान ए सुल्तान। स्वागत है आपका अमृत सर यार के में नरसिंह को। सो कल आप सब ने मैंने भी ये खुशखबरी सुनी ली है कि इंडिया की बेटी मीराबाई चानू ने एक सिल्वर मेडल फोर्टनाइन कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में जीत लिया है। यो ठीक है। एंड उसके बाद उसको इंटरव्यू में पूछा किसी ने कि आप क्या करना सबसे पहले पसंद करोगे, कहती है आप पिज्ज़ा खाना पसंद करोगे क्योंकि ऑब्वियसली डाइट अलाउ नहीं करती उनकी खा पाना। और उस पर सिर्फ ये लाइन बोली एंड उस पर डोमिनोज ने एक अच्छी बात की, वो क्या की उन्होंने कि शी सेड वी हर्ड इट नाउ, मतलब पूरे जिंदगी के भर के लिए फ्री पिज्ज़ा फ्रॉम डोमिनोज। अब इसमें अच्छी बात है कि दे डिड ऑफर, ठीक है जी। मणिपुर के सीएम ने भी 1 करोड़ देने का वादा किया है। एंड प्लस आप डोमिनोज की बात करते हैं तो एक केस स्टडी बन सकती है कि उन्होंने किस तरह इस चीज़ को अपनी अपॉर्चुनिटी मतलब एंड अपनी ये देखो ये डोमिनोज ने बहुत अच्छा किया है, पर ये डोमिनोज की एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है, मतलब ये समझ सको समझ लो। एंड क्योंकि बाद में इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है ये नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, पर अभी जो उन्होंने कहा है उस चीज़ की अच्छी मीम मीम बन रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तारीफ हुई है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी जल्दी एक मेडल आ चुका है और आएंगे मेडल अभी और। थैंक यू मीराबाई जी। एंड चलो अब नारियल आए हैं तो नारियल तोड़े, और आज है फूडी डे, आज हम दबा के खाएंगे, आज बारबेक्यू निशिंग जा रहे हैं एंड दबा के खाएंगे दबा के। चलो क्या कर रहे हैं, ठीक है पर थोड़ा दूर से। राम ना राम ना रे राम ना। क्या ना आ गया थोड़े पास। इसमें बहुत थोड़ा ना, उसमें काफी निकला था, नहीं आ रहा आ रहा है पूरी तरह खुले नहीं ना रहा नहीं आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा चल पूरी डे यहीं से शुरू हो गया है। मम्मी ने बनाई है इडली और साथ में चटनी नारियल की, आगे बताते हैं। बहुत गर्म है यार, चटनी ठंडी है तो खाते हैं। वाह मज़ेदार, और बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हुई है इडली के साथ। टाइम आ गया जाने का और पार्टी में मज़े लूटने का, और खाएंगे पिएंगे हैश करेंगे और आपको भी दिखा दिखा के खाने के मजे दे देंगे जितने दे पाएंगे। लेट्स गो। कहना रहे ही है कि पार्टी है किस किस चीज़ की, एक बंदे का तो जस्ट बर्थडे निकला है उसकी है, एंड सेकंड थिंग इज कि एक बंदे को एक अच्छी हाइक के साथ दूसरी कंपनी में जॉब मिली है, दो बंदों की मिलकर पार्टी है। एक तो गुरविंदर है और जिसका बर्थडे था, एंड अदर पर्सन इज साहिल। तो बस 10-15 मिनट अभी यहाँ वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाए तो चल। मुझे मैसेज कर रहा है कि कहाँ हो आ रहे हैं और खुद मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ इनकी। बर्थडे बॉय ना होते तो मैं डांटता। सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, और सबसे पहले मैं हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ब्रो, ये अवतार का फोन भी आ रहा है। हमारा यहाँ पर प्रीफिक्स मेन्यू होता है और फिक्स प्राइस होता है, ठीक है सर। तो
हमारे यहाँ बूफे सिस्टम है सर, ठीक है, वेज का अलग प्राइस होता है, नॉन वेज का अलग होता है सर। और नॉन वेज में हम आपको 5 नॉन वेज स्टार्टर प्रोवाइड करते हैं, वेज में 7 वेज स्टार्टर प्रोवाइड करते हैं, जो आपको अनलिमिटेड रहेगा सर। अनलिमिटेड स्टार्टर डन होने के बाद फिर हमारा मेन कोर्स है, जैसे आप देखते मेन कोर्स यहाँ पर है, वहाँ पर आपको सर वेज का भी ऑप्शन रहेगा, नॉन वेज का भी ऑप्शन रहेगा, वेज सूप है, नॉन वेज सूप है, सैलड है, प्लस डेजर्ट्स वगैरह है सर, और कुल्फी भी इसी में आपको सर इंक्लूड सब कुछ रहेगा। हाँ जी, सब कुछ आपको अनलिमिटेड रहेगा सर। कर लिया है अवतार ने, और साथ ही साथ ये वही है। हाँ वही, ठीक है। और मैं टेस्ट करने वाला पहली बार ये पाइनएप्पल टिक्का, ये रोस्टेड पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल जैसा ही है, बस गर्म है। मुझे काफ़ी ख़राब हुआ, जैसे मैं पाइनएप्पल आया था हलाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, बट ये ठीक है। मशरूम भी है, सबसे अच्छा मशरूम लगा भी है, या वो आलू की टिक्की टाइप जो भी है वो, ये है मशरूम, और ये सही है ये मशरूम। अभी सोया चाप आई है, वो नहीं वो टेस्ट करते हैं। ट्राई कर रहा हूँ ब्राउनी, ये मैंने टुकड़ा था कुछ, और ये रेड वेलवेट केक ब्राउनी। हम खा रहे हैं मोस्ट वांटेड चीज कुल्फी फलूदा, और ये इसकी इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज्यादा भीड़, अभी भी लोग खड़े हैं, ये देख रहे हैं बहुत कुल्फी फलूदा, मुझे लगता है सच में बहुत ज्यादा स्वाद होना है। करते हैं रेटिंग की कि क्या सच में बारबी क्यों आना चाहिए। देखो उनकी सर्विस थोड़ी स्लो थी, जिस चक्कर में उन्होंने मुझे आखिरी में तो सर्विस थोड़ी स्लो हुई लास्ट में, एंड वैरायटी मुझे थोड़ी कम लगी क्योंकि 800 रुपये दे रहे हैं हम। पर अब बाकी से पूछते हैं, साहिल बता कैसी लगा तेरे को? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 10 में से कितनी रेटिंग देगा? 10 में से 8 मेरा भी, हाँ मेरा 7 है, 5 तक ला देगा। सिर्फ रेटिंग 10 में से 6.5 चॉकलेट शेक कैसा है साहिल? चॉकलेट शेक साहिल पांच पंजे की बूढ़ी पियो रे, हां चॉकलेट शेक सही है। अवतार तू बता ब्लैक करंट कैसा है? बेस्ट है, बेस्ट। आज सुकेत बता तेरा कौन सा था? कॉफी ना, कैसी है तेरी कोल्ड कॉफी? कैसी है? कैसी है? इतना ठंडा रिस्पॉन्स तेरा। तू बता मैंगो कैसा है तेरा? गुड है, गुड है, वेरी गुड नहीं है? वेरी गुड नहीं है, नहीं चॉकलेट काफी वेरी गुड है फिर तो यार। तो शेक पीने से पहले हम गए थे पहले डीमार्ट, वहाँ पे केस स्टडी करनी थी कम्प्लीट, एंड कम्प्लीट तो क्या कहूँ, मतलब जितना जो पार्ट करना था वो 50% ही हुआ है, क्योंकि हमें एक्चुअली परमिशन चाहिए एक सर्वे करने के लिए, और वो मिल जाती है तो वेल एंड गुड। बात चल रही है, आई होप फॉर द बेस्ट। एंड उसके बाद हम गए ट्रिलियम, वहाँ से मैंने पापा के लिए शूज़, क्योंकि पापा को कहा गया कि ही विल बी वॉकिंग ऑल अराउंड, काफ़ी लगभग रोज़ 1 या 2 किलोमीटर सैर किया करेंगे, तो न्यू शूज़ ज़्यादा सही रहेंगे, ग्रिप अच्छी बन जाएगी, एंड बात बन जाएगी, तो मैंने कहा शूज़ ले लेते हैं। फिर मोची ब्रांड से शूज़ लिए, एंड नाउ आई एम गोना गेट देम। हाँ जी पापा, शूज कैसे लगे ये बताओ? ये पापा के न्यू शूज अच्छे हैं, कंफर्टेबल, फुल कंफर्टेबल है। हाँ कंफर्टेबल है, बस यही चाहिए फिलहाल। आज का व्लॉग एंड करने का वक्त आ गया है, एंड मुझे पता थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, 12:30 बजे इज टू लेट, पर क्या ही कर सकते हैं। तो लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि मेहनत बहुत लग जाती है बाहर जब घूमने जाओ, और अब मेहनत करो तो लाइक कर देना, ठीक है जी, एंड शेयर करके कमेंट करके सब्सक्राइब करके बटन को हिट कर देना। नमस्ते। Thank you.